चुनाव प्रचार के दौरान शिवसेना के नेता पर हमला किया गया, इससे उन्हें काफी चोट आई है। इस मामले में आरोप भाजपा नेताओं पर लग रहे हैं। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। राज्य शिवसेना के मध्य विधानसभा से प्रत्याशी राम नरवरे के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष राहुल साहू पर 7 तारीख को हमला हुआ। उसके बाद 13 तारीख को राज्य शिवसेना के संयोजक किशोर चौकसे पर हमला हुआ, जिसमें उनके पैर में फ्रैक्चर हुआ है और चोट आई है। राज्य शिवसेना के प्रदेश संयोजक किशोर चौकसे ने बताया कि शिवसेना प्रत्याशी राम नरवरे के समर्थन में जनसंपर्क कर रहे शिवसेना के प्रदेश अध्यक्ष राहुल साहू पर हमला करने वाले पकड़े गए हैं। उन्होंने बताया कि वो भाजपा के आईटी सेल के लोग थे। दोनों पर काउंटर केस किया गया है। वहीं दूसरी ओर उन पर दिनांक 13 नवम्बर को हमला हुआ, जिसमें उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया और शरीर पर चोट आई है। उन्होंने कहा कि हम राम नरवरे के समर्थन में वोट मांग रहे हैं, इसलिए हम पर बार बार हमला किया जा रहा है। हमलावर का तो कोई नाम नहीं पता है, और चूंकि जो हमलावर आए थे उन्होंने हमला करके और तुरंत बाइकों से वो भाग गए। मैं अकेला था और अकेला का उन्होंने पूरा फायदा उठाया, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। और 7 तारीख को भी यही घटना हुई थी, इसलिए वो 8-10 लोग आए थे और हमारे कार्यकर्ताओं पे जो हमला किया, प्रदेश अध्यक्ष किया, हम लोगों ने उसका ताबड़तोड़ तरीके से उनको जवाब दिया, जैसा देना चाहिए जो शिवसेना की भाषा होती है उस भाषा में हमने उनको जवाब दिया। तो लेकिन कल जो घटना हुई, उस घटना में उस समय हमारा कोई भी कार्यकर्ता हमारे साथ में नहीं था, और अचानक से या तो वो हमारे को रेकी कर रहे थे, वो हमको देख रहे थे कि कोई भी एक व्यक्ति इनका अकेला मिले, तो वो संयोग की बात कि मैं ही उनको मिल गया, क्योंकि मैं रुक गया था, इन लोगों को मिला। मैंने कहा बेटा मैं थक गया हूँ, आप लोग कैनवासिंग करो, मैं थोड़ा सा कार के पास आराम करता हूँ। तो मैं कार के बाहर खड़ा था, अचानक से वो लोग आए, उन्होंने ताबड़तोड़ तरीके से, समझ भी नहीं पाए कि कौन है और क्यों ये कर रहे हैं, और उन्होंने हमला करके वो भाग गए वहां से। नहीं, हमने चूंकि किसी को वाई फाई से इतना करीब से देख भी नहीं पाए, और हाँ कुछ लोगों को हमने, 1-2 लोग जो थे जिनको मैंने देखा था कि ये हैं, लेकिन बाय फेस में पहचान सकता हूँ, लेकिन नाम तो किसी का नहीं मैं जानता हूँ कि कौन थे, कि उनका उद्देश्य क्या था और कहाँ के थे वो। हाँ, आईडी वाले जो बात है, वो आईडी वाली बात 7 तारीख की घटना है। 7 तारीख को जिस प्रकार से हमला हुआ था, तो वो भाजपा आईटी सेल के लोग थे, उनकी आईडियां थाने में उन्होंने जब पूरा अपना बताया था कि हम भाजपा मीडिया आईटी सेल में हैं और बीजेपी कार्यालय में हमारा ऑफिस है, हम लोग वहां काम करते हैं, हमारे प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष जी दोनों वहां गए थे, और जब वहां पे इनका बयान और उनके बयान हुए, तब वो ये खुलासा हुआ कि ये लोग भाजपा के कार्यकर्ता, हमको नहीं मालूम था, हम तो असामाजिक तत्व ही समझ रहे थे कि कोई भी हो सकता है कि आके झगड़ गया, लेकिन जब वहां जाके पता चला, और ऐसी पूर्व में भी कई 1-2 बार झड़प छोटी मोटी हुई है कि हमारे कार्यकर्ताओं को झंडा लहराने से या हमारे कार्यकर्ताओं को जनसंपर्क करने से इन लोगों ने रोका है, चूंकि ये बहुत अच्छा कृत्य नहीं है। मैंने मध्य प्रदेश विधानसभा में या कई जगह है ना यातायात समस्या बहुत है, हम लोग जन समर्थकों से यही अपील कर रहे हैं कि हमें अगर प्रत्याशी के रूप जीत दिलाते हैं तो हम लोग उस पे कारगर रहेंगे। और युवाओं के जो आज देख रहे हैं कितनी देश में कितनी बेरोजगारी है, युवा सड़कों पर है, आप लोगों को पता ही है, जैसे व्यापम घोटाला हुआ, दूसरा युवाओं में वो पटवारी घोटाला हुआ, तो युवाओं को बेरोजगारी काफी ज्यादा है। तो हम लोग, अगर हमारी सरकार हमारी मध्य में आती है तो हम लोग युवाओं के बारे में भी सोचेंगे और मध्य में ज्यादा काम करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।